हम यहाँ बस्ती बंजरिया फार्म पे आए हैं टहलने के लिए। यहाँ कृषि केंद्र बस्ती का है, जो आचार्य नारायण देव द्वारा यहाँ पे बस्ती कृषि विज्ञान है। यहाँ पे हम देखेंगे प्रशासनिक भवन, किसान भवन, आवासीय परिसर, बीज गोदाम, कृषि यंत्रशाला, नुक्कड़, नलकूप, बकरी पालन इकाई, मशरूम इकाई, अजोला, वर्मी कंपोस्ट, फल वृक्ष और पौधशाला, आम आंवला बाग, अमरूद की सघन बागवानी, और 14 नंबर है एकीकृत फसल प्रणाली, 15 औषधीय पौधशाला और 6वां क्रॉप कैफेटेरिया, और 17 सौगन बाग और 18 है बीज उत्पादन क्षेत्र। तो हम सबसे पहले दिखाएंगे एपीकल्चर, जो एपीकल्चर मधुमक्खी पालन है। यहाँ इसके नीचे अमरूद के नीचे लगाया गया है। चलिए हम आपको एपी कल्चर के बारे में बताते हैं और दिखाते हैं। यहाँ देखिए मधुमक्खियों का स्टोर किया गया है, और यहाँ अंदर मधुमक्खियाँ जाती हैं, उसके बाद अपना जो है मधु उसमें रखती हैं और उसके बाद वापस आती हैं। यहाँ से तमाम बॉक्स हैं जो कि सब में मधुमक्खी पालन किया जाता है। देखिए सब मधुमक्खी आती हैं, फूलों के रस चूस कर उसके बाद इस बॉक्स में भर देती हैं, वापस चली जाती हैं। ये सब अपना घर बनाती हैं, बाद में हम मधुमक्खी का जो रस है इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद सेल किया जाता है यहाँ से। और एक यहाँ आचार्य नरेंद्र प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज के द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र है। ओके दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए और कुमारगंज घूमने ज़रूर आइए।